मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि। प्रिय दर्शकों, हमारे श्री मन्नारायण ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मई 2020 में मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह हमारा। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें बेल आइकन का घंटी आती है, उसको बजा छू दीजिए और उसके बाद जो है लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ हो। अपने इष्ट मित्र रिश्तेदारों तक इसको शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो। तो हम आपको बताते हैं इस महीने में कौन कौन से व्रत अथवा त्यौहार आएंगे। इस महीने में श्री बंगलामुखी जयंती 1 मई को होगी, 3 मई को श्री मोहिनी एकादशी का व्रत होगा और 7 मई को बुध की पूर्णिमा रहेगी, 18 मई को अचला एकादशी का व्रत होगा और 22 मई को अमावस्या रहेगी। इस दिन पितरों के निमित्त इत्यादि दान करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं मकर राशि का कैसा रहेगा यह पूरा महीना। मकर राशि के ही लग्न पर इस महीने बृहस्पति और शनि विराजमान रहेंगे, जो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और समाज में प्रतिष्ठा आपकी मिलेगी, लाभ होगा और बाहरी स्थानों से भी आपको लाभ होगा। आपके घर में कोई विशेष शुभ कार्य की योजनाएं बन रही हैं और विवाह इत्यादि के योग बन रहे हैं, उसमें सफलता मिलेगी आपको। धन के मार्ग में कहीं आप धन इत्यादि दे रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरते हैं, ऋण आपको बड़ा विचार कर देना चाहिए, नहीं कुछ पैसा आपका फंस सकता है, कुछ पैसा आपका जो है दवा में भी जा सकता है, आपको पैरों में या पेट में भी दिक्कत आपको आ सकती है। थोड़ा सा सेहत का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर आप कोई परीक्षा दे रहे हैं तो आपको इस महीने सफलता मिलेगी, आपको लाभ होगा और अगर आपका कोई संतान परीक्षा दे रहा है तो उसको भी लाभ होगा, अच्छी सफलता है, उन्नति होगी। आप पिता से अच्छा तालमेल बनाकर रखें तो आपको लाभ होगा। दशमेश आपका पंचम में स्वगृह होने की वजह से संतान में खासी उन्नति होगी। अगर आप कोई बिजनेस इत्यादि करना चाहते हैं तो इस समय अच्छा अवसर रहेगा आपको, लेकिन कुछ भी करें 3 बार विचार करें, सावधानी पूर्वक करें, जल्दीबाजी न करें तो आपको लाभ होगा। मंगल की चौथी दृष्टि आपके संतान पर है, थोड़ा सा पेट का ध्यान रखें, रक्त से संबंधित भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बृहस्पति की सातवीं दृष्टि पत्नी पर है, पत्नी से सुख रहेगा। अगर आपकी शादी विवाह इत्यादि होने के योग बन मतलब कि आप करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा, आपको यह समय करना चाहिए। बृहस्पति की नवीं दृष्टि आपके भाग्य धर्म स्थान पर रहेगा, जो कि आपके भाग्य में उदय कराएगा, लाभ होगा और कोई बड़ी यात्राएं कर सकते हैं। अगर विदेश इत्यादि आपको जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, आपको सफलता मिलेगी। इस समय अगर आप राजनीति क्षेत्र से कोई टिकट इत्यादि लेना चाहते हैं या राजनीति में जुड़ना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, क्योंकि उच्च का राहु खष पर है, त्रिखष एकादशे राहु सर्वारिष्ट प्रशांत है, आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, ये आप कर सकते हैं। थोड़ा सा आप स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए तो आपका बहुत अच्छा रहेगा, ऑल ओवर या पूरा महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम आपको बताते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। ऑल ओवर है स्वास्थ्य के लिए थोड़ा पेट का और पैरों का ध्यान रखें, बाकी यह महीना अच्छा रहेगा। व्यापार और नौकरी इस महीने में आपका मिला जुला फल रहेगा, कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और न तो बहुत ही अच्छा रहेगा न बहुत ही खराब रहेगा, मीडियम मिलता जुलता पूरा फल देगा। अब हम आपको बताते हैं कि आपका दाम्पत्य और प्रेम कैसा रहेगा। आपका सप्तमेश चंद्रमा केंद्र में होने की वजह से दाम्पत्य प्रेम बहुत ही अच्छा रहेगा, वहाँ पर बृहस्पति की भी दृष्टि होने की वजह से अच्छा रहेगा, पत्नी से प्रेम रहेगा और प्रेम का अगर कहीं प्रेम संबंध चल रहा है तो वो भी अच्छा आपको सफलता दे सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि इस महीने में आय और व्यय क्या क्या पोजिशन रहेगा। आय का स्थान का मालिक मंगल धन स्थान पर होने की वजह से आमदनी अच्छी रहेगी, लेकिन खर्च स्थान पर केतु होने की वजह से खर्च की बहुत तगड़ा व्यवस्था रहेगी। अगर आपका 10 रुपये आमदनी है तो 15 रुपये का खर्च बन जाएगा, इसलिए थोड़ी सी खर्च को कंट्रोल कीजिए और स्वास्थ्य को ध्यान रखिए। थोड़ा सा आपको कोई कार्य करने से पहले बड़ा विचार करके काम करना है। अब हम आपको बताते हैं अगर इस महीने में कोई दिक्कत आपको आ रही है तो क्या उपाय करना चाहिए। इस महीने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए, गाय को चने की दाल गुड़ खिलाना चाहिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए या हनुमान छाया दान करें, सरसों के तेल में मुख देख करके दान करें, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, जल चढ़ाएं तो यह महीना आपके लिए अच्छा जाएगा। आपको एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, इस महीने में आपको कोई वृक्ष लगाने और उसकी सेवा करें तो आपका यह महीना अच्छा जाएगा। कोई भी नया कार्य करने से पहले
आप घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खा करके निकलें तो आपको लाभ होगा। यह महीना विशेषकर इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्रीमन्नारायण। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उनका संपूर्ण निदान, तो आचार्य पंडित अवधेश द्विवेदी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8510997810। हमारा ईमेल आईडी है shrimannarayanjyotishsansthan@gmail.com। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। व्यापार में रुकावट, गृह क्लेश, आर्थिक समस्या इत्यादि का समाधान किया जाता है।